करीब 150 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी आज कामकाज कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी 24,000 का स्तर नहीं टूटा और एक और पॉइंट है 24,400 मार्केट ने फाइनली ध्वस्त कर दिया। 24,400-500 पे बार बार हिट हो रहा था, टकरा रहा था, लेकिन वो फाइनली वो लेवल आज थोड़ा गैप क्रिएट कर चुका है। अभी पता नहीं है, अभी तो क्लोजिंग हुई नहीं, क्लोजिंग के होते होते आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। एक समय ऐसा भी था जब निफ्टी ने 24,200 को भी ब्रेक कर दिया था और आज का जो इंट्राडे लो है वो है 24,141 का। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, सुबह से हम यही बात आपको बता रहे हैं। 84% पे तो FIs पिछले 10 दिन में यहीं के यहीं के तस है। हो क्या रहा है कि सिर्फ चर्निंग हो रही है, सेक्टोरल मूवमेंट हो रही है। खरीदा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जिस फोर्स से आप चल के आए हो, उस फोर्स के बाद नई फोर्स कहाँ से आएगी पता नहीं। रिटेल के पास 33% लॉन्ग रह गया, DS के पास 33% लॉन्ग है, वो मेजोरिटी हिस्सा आप शॉर्ट करके बैठे हैं। एक्चुअली वे लॉन्ग कर सकते हैं वापस, लेकिन कोई तो छोड़े, कोई छोड़े का मतलब FIs माल तो छोड़े, लेकिन FIs ने तो होल्ड कर रखा है। बड़े शेयरों की चर्निंग मार्केट के अंदर विजिबल होती है, एक दिन रिलायंस चलाकर, एक दिन HDFC चलाकर मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ। स्मॉल और मिड कैप के इंडाइसिस में कोई मेजर क्रैक नहीं है, ब्रॉडर मार्केट ये पिक्चर भी दिखा रहा है। सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, अर्निंग सामने खड़े हैं, बजट सामने है, तो बहुत सारे इफ़ और बट्स मार्केट के साथ लगे हुए हैं। लेकिन इस मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि भाई डिप आएगा तो ही बाय करना, नए वाले, पुराने वालों की तो बल्ले बल्ले है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चाहे कहीं भी बेच सकते हैं, कैसे भी करें। लेकिन जो नए वाले लोग हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड तभी ठीक बैठेगा जब वो थोड़ा आप नीचे लेके आएंगे पोजीशंस को, तभी ठीक। जी देखते हैं आज कितनी और पोजीशंस नीचे मिलती है। जैसे 400 पॉइंट आज आपको बैंक निफ्टी नीचे मिल रहा है, 150 पॉइंट आपको नीचे निफ्टी मिल रहा है, देखते हैं और कितना मिलता है। हमारी इसमें हेल्प करेंगे राहुल शर्मा, GM फाइनेंशियल से हैं, F&O के महारथी हैं, बहुत बढ़िया टीम को मैनेज करते हैं, उनके ज़्यादातर टीम प्लेयर्स भी हमारे साथ आते हैं। और राहुल जी से आज हम बात करके थोड़ा समझेंगे भी कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर उनका टेक क्या है, और साथ ही साथ अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी उनसे राय लेंगे। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है सर आपसे आज हमारी वापस मुलाकात होगी, आपसे मिलकर इंटेलिजेंस और हौसला दोनों काफ़ी अच्छे से मिलता है सर। बस अभी आपसे मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ, लेकिन कल हमारे मेहमान थे प्रशांत सावंत, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी प्रथा है, हमने इसको फॉलो किया है। हम इकलौते हैं पूरे बिजनेस फर्टिनिटी के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर जो रिपोर्ट कार्ड एक्सपर्ट्स का दिखाते हैं, यानी कि 24 घंटे पहले जो एक्सपर्ट्स बोल के गए हैं उस 24 घंटे में क्या असर हुआ आपके सामने रखते हैं, जिसमें 1% से ज़्यादा के गेन है वो सब रिपोर्ट कार्ड में आएंगे। आइए दिखाते हैं प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड। कल किसी वजह से इस शो में मैं तो नहीं था, लेकिन मेरी सहयोगी ने जब उनसे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने पॉलीकैप बेचने की रिकमेंडेशन दी, 2% का गेन वहाँ से आया होगा। अपोलो टायर्स 530 कल का भाव है जिस पर रिकमेंडेशन हुई थी, अगर किसी को यकीन ना रहा तो कल 12 बजे का भाव चेक कर ले अपोलो टायर्स का, तो 530 ही दिखेगा आपको, 2% का गेन वहाँ से और 1.5% का गेन ग्रेनुलर्स इंडिया से मिला होगा। 4.5% का गेन मोटा मोटी आपको 3 शेयरों से मिला है। कल के प्रोग्राम या हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम 5 से 6 ट्रेड ही दे पाते हैं। अभी हम पूछेंगे देखना राहुल जी से, राहुल जी हमारे शेयर गिरा भी सकते हैं, उसको स्वैप भी करवा सकते हैं, बदल भी सकते हैं, है ना, और चाहें तो बाय को सेल, सेल को बाय भी कर सकते हैं अगर उनको वो समझ में जैसे भी आएगा। तो बामुश्किल से आप देखेंगे 5 या 6 शेयर ही हम निकाल पाते हैं इस पूरे कार्यक्रम में, और 6 शेयरों में से मान लो 2-4 शेयर हम जो नहीं लिख पाए, या तो 1% का रिटर्न नहीं दे रहे, या तो उनका 1% 1.5% का स्टॉप लॉस कट गया, क्योंकि रेशियो हमारा 1:2 का होता है, 2% कमाओगे तभी 1% जाने देंगे, नहीं तो हम उसको जाने ही नहीं देते, शेयर को लेते ही नहीं, ठीक। और हम इस चीज़ पे मानते हैं कि आप थोड़ा वॉल्यूम कम कर रखोगे और आप आराम से ट्रेड करोगे, जहाँ पर आपका भी कन्विक्शन बैठ जाए ना वही ट्रेड आप लेना, जहाँ पे आपका कन्विक्शन ना बैठ रहा हो भले उसको आप छोड़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक सौदा छूट ही जाएगा ना, कुछ और तो होने से रहा। अब हमारे साथ राहुल जी से बातचीत करने का समय हो चुका है, उनसे ज़रा निफ्टी बैंक निफ्टी का एक आउटलुक लेते हैं, फिर हम बातचीत करते हैं। राहुल सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर पहले ज़रा निफ्टी गाइड कीजिए, हमें 24,000 की वेट करनी चाहिए सर, जिनको नए लोगों को एंट्री करनी है उनको 24,000 की वेट करनी चाहिए, या फिर 24,200 के आसपास ही रास्ता खुला है एंटर कर जाएं? देखिए जो हिसाब से आज मार्केट शुरू हुआ, थोड़ा यहाँ पर स्केरी सिचुएशन जरूर था मॉर्निंग में, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 24,170 का लेवल लाइक उसको ब्रेक किया और उसके नीचे उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। देखिए रिकवरी थोड़ी आई है, तो मेरे हिसाब से जब तक 24,170 का लेवल ब्रीच नहीं होता है डिसाइसिवली, मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर जो अभी तक हम देखते आए कि इंट्राडे जो भी डिप आए हैं वो बॉट इनटू होते हुए दिखे,
डेफिनेटली मार्केट ओवर हीटेड है, लेकिन मार्केट के पास कोई रीजन नहीं है बड़ी तरीके से करेक्ट होने के लिए। तो मेरा कुल मिला के ये मानना है कि बजट तक आई थिंक मार्केट के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, लेकिन बजट के बाद मुझे लगता है कि मार्केट अच्छी तरीके से एक करेक्शन दिखा सकता है, और जो नए पैसे, जो नए इन्वेस्टमेंट्स के मौके बनेंगे वो ये करेक्शन के बाद बनेंगे। तो एग्जिस्टिंग अगर आप इन्वेस्टेड है तो इस रैली में प्रॉफिट्स ले, इस रैली में सेक्टर रोटेशन जैसे आप बात कर रहे थे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। केमिकल्स आईटी ऐसा सेक्टर है जो रिवर्स हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर, प्राइवेट बैंक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा। काफी जो मेजोरिटी ऑफ द मार्केट है वो ओवरबॉट जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पर रखी जा सकती है जब तक निफ्टी के अंदर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को ना मिले। तो या तो निफ्टी के अंदर 2470 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाए, या बजट का जो एक इवेंट है ये डिसाइसिवली ये इवेंट हो जाए, उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत या एक तरह से शॉर्ट टर्म करेक्शन के संकेत मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है राहुल सर, मेरे को सिर्फ इतना गाइड और कर दीजिए, वैसे आप जो करेक्शन की बात बोल रहे हैं, करेक्शन कहाँ तक आ सकते हैं थोड़ा आइडिया इसका, और अगर पुल बैक आता है तो थोड़ा आइडिया इसका कि पुल बैक और कितना स्ट्रॉन्ग आ सकता है, कहाँ तक जा सकते हैं, एक मोटा मोटी रेंज बता दीजिए। देखिए मेरा तो सिंपल मानना है, हम लोग जो 4 जून को जो लो बनाया था 21,300 के आसपास से, वहां से बहुत बड़ी एक वन साइडेड रैली देखी है निफ्टी के अंदर। तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि अगर करेक्शन, मीनिंगफुल करेक्शन बजट के बाद आता भी है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि 1,000 पॉइंट तक का भी करेक्शन निफ्टी में देखने को मिले। बेस बहुत बढ़ चुका है निफ्टी का, तो 1,000 पॉइंट 24,200 के इंडेक्स पर इतना बड़ा नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। और साथ ही में जो एक तरह से हम मार्केट ओवरबॉट की जो बात कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है, क्योंकि जो हमारे दबे कुचले सेक्टर्स थे वो भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर चुके हैं या कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल निफ्टी में अंडर परफॉर्मर था रिलायंस, वहां पर हमने एक अच्छी रैली देख ली। आईटी सेक्टर चल नहीं रहा था, वहां पर एक लेग ऑफ रैली आ गया जो एक डिफेंसिव की तरह था। केमिकल जो कि पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वहां पर रिवर्सल है। तो आई थिंक सेक्टोरल शिफ्ट करके फिलहाल चला जा सकता है। और निफ्टी में आई थिंक जहां तक करेक्शन की बात है, अगर करेक्शन शुरू होता है तो कम से कम 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकता है, हमारा अनुमान है पोस्ट इवेंट ही आ सकता है। ओके ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन सर, और हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली हमारा भी यही टेक है, हमारा भी मानना है कि आपके एक प्लेट में खाना तो आ सकता है, लेकिन पहले प्लेट तो खाली करो, वो तो ऑलरेडी भरी हुई है, आपके पास जगह कहाँ है, अच्छी डिश आपके पास आने को है, आप लेकिन खाओगे कैसे, पहले प्लेट तो खाली करो। आप 85% 84% FIs लेके बैठे हो सिस्टम में, आप शेयर के रोटेशन करके बैठे हो, आप चल के बैठे हो, आप बजट जैसे इवेंट को अभी डिस्काउंट नहीं करके बैठे, आपने अर्निंग्स नहीं देखी, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना। और भाई एक और चीज़, 23 तारीख का बजट है, आज 10 तारीख है, तो 13 दिन भी अपने आप में काटने बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 13 दिन में भी कोई क्रैक ना आए ना तब भी आप विनर ही समझना अपने आप को, मेरे हिसाब से 24,000 तक आ जाना चाहिए, छोटे मोटे क्रैक का राहुल सर भी आपको बता रहे हैं, लेकिन 1,000 पॉइंट की करेक्शन मेरे को भी लगता है कि कम से कम निफ्टी भी आनी ही चाहिए, तभी नया पैसा अंदर मार्केट के आवास आ पाएगा, नहीं तो हम जैसे लोगों का रिस्क रिवॉर्ड ही कंफर्टेबल नहीं होगा, अभी आ ही नहीं पाएंगे अंदर। आगे बढ़ें, जरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाते हैं आगे और ज़रा समझ लेते हैं। अच्छा बैंक निफ्टी का हम इसलिए नहीं पूछ रहे, निफ्टी मान लो 1,000 पॉइंट टूटती है तो रेशियो 1:3 की चलती है, आप 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के भी मान के चलना सेम रेशियो में, अगर यही रेशियो मेंटेन करके चलें तो। आगे बढ़ जाएं, अब जरा हम आ जाते हैं अलग अलग स्टॉक्स पे, तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। REC और ICICI प्रोडेंशियल, राहुल सर दो शेयर हमने निकाले, एक तो REC और ICICI प्रोडेंशियल। REC की तो एक ही प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सिग्निफिकेंटली चल चुका है, लोग इसके डिप की वेट कर रहे हैं बट ये डिप देता नहीं और लगातार चलता है। इसका एक जोड़ीदार भी है PFC, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ आज खाली REC ही चुन रहा हूँ, और एक इंश्योरेंस की कंपनी ICICI प्रोडेंशियल। सर मार्केट में खबर यह है कि इस बार के बजट में भी इंश्योरेंस कंपनीज को बूस्टिंग डोज मिल सकती है, तो जरा आप इसको भी देख लीजिएगा, ICICI प्रोडेंशियल को भी। देखिए दोनों के दोनों स्टॉक्स काफी बेहतरीन में, REC में इनफैक्ट एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्रीवियस स्टॉक तकरीबन 605 के आसपास, फ्रेश एडिशन के लिए यहाँ पर फेवरेबल नहीं है तो मैं इसे स्किप करूंगा। हालांकि मोमेंटम काफी मजबूत है REC के अंदर, कोई छोटा डिप मिले तकरीबन 15-20 पॉइंट का तो
तो रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल होता बनेगा। जहां तक आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल का बात है, देखिए आज मार्केट नीचे खोला फिर भी इसके अंदर एक हायर लो बना है, तो क्लियरली यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है काफी मजबूत है। और ये सेकेंड डे है जो स्टॉक ने एक तरह से ब्रेकआउट देके चलने का यहाँ पर लाइक मोमेंटम शुरू किया है। तो मेरा ये मानना है 700 के टारगेट्स आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। 640 का माफ कीजिए स्टॉप लॉस रहेगा कैश के हिसाब से, और तकरीबन 40 पॉइंट की अपसाइड हमें लगता है कि आने वाले 7 से 8 सेशन में देखने को मिल सकती है। सर एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बता देंगे आप? टारगेट 700 का रहेगा यानी कि 40 पॉइंट की अपसाइड, और स्टॉप लॉस रहेगा 640 का कैश लेवल्स। ठीक है सर, डन लिख दिया सर हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर आपका 700 रुपए का टारगेट, 640 का स्टॉप लॉस। ध्यान रखा जाए जिसके बारे में राहुल जी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दे रहे हैं वही सिर्फ ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं। कई बार हम शेयर्स की चर्चा कर लेते हैं बट उसमें ट्रेड नहीं होता, तो जिसमें ट्रेड होता है उसका स्टॉप लॉस और टारगेट हम खुद छाप देंगे आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और सिर्फ वही ट्रेड होगा। ठीक है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड है, उन्होंने ना आपको स्टॉप लॉस दिया ना टारगेट दिया, एक रेंज बताई है कि भाई छोटी करेक्शन आएगी, करेक्शन का वेट करो, ये बजट के बाद भी आ सकती है, बजट से पहले थोड़ा साइडवेज या इसी तरह का हल्का फुल्का रहेगा। तो हमने क्या किया, उसको अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना नहीं, लेकिन उसमें कोई ट्रेड अभी बन नहीं रहा आपके लिए, इसलिए हमने उसको अवॉइड कैटेगरी में डाला। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर हुआ है तो आपके सामने हमने लिख दिया 700 का टारगेट। दो शॉर्ट कवरिंग के सौदे भी हैं, एक है आईजीएल जहाँ पे शॉर्ट्स को थोड़ा बहुत कवर हो रहा है। राहुल सर इसमें भी एक बजट रिगार्डिंग की खबर चल रही है, हमारे रिपोर्टर ने हमको दिया कि इन पर डबल टैक्सेशन की मार है। इस बार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि भाई डबल टैक्सेशन से हमको मुक्ति दो, थोड़ा बहुत हमको रिलीफ दो। थोड़ा बहुत भी रिलीफ आ जाता है ना सर, इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार आप चेक कर लो, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है आईजीएल के अंदर। और दूसरा है सर अपोलो हॉस्पिटल, ये दोनों भी देख लो, थोड़े डिफेंसिव भी हैं दोनों। क्या देखिए आईजीएल का अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो ज्यादा बेहतरीन सेटअप दिखाई देता है। देखिए बजट में कुछ आए ना आए, लेकिन एंटीसिपेशन में कि कुछ आ सकता है, मेरे हिसाब से हमें 550 तक का मूव आईजीएल में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का सेटअप है जो टेक्निकली कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और जो इसकी ट्रेंड है वो ऊपर की है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर आप 515 का स्टॉप लॉस लगाकर आईजीएल को बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा वो 550 का रहेगा, और जो हम बजट में एक्सपेक्टेशन अगर करके चल रहे हैं, मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है, वो अगर आ जाता है तो आई थिंक एक लाइक यू नो इसके अंदर नया हाई भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 550 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसे लॉन्ग किया जा सकता है, 515 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश लेवल्स के हिसाब से। ठीक है डन, तो आईजीएल पे हो गया आपको ट्रेड, 550 तक का टारगेट है, 515 का एक स्टॉप लॉस है, और ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखी रहे हैं। जरा कुछ शॉर्ट्स के ट्रेड भी हमने तेजी के स्टॉक्स आपके लिए रख दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन जो स्टॉक्स चुने उसमें एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपके लिए रखा है, और कुछ हमने शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स में से आईजीएल आपके सामने रख दिया है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स दिखाते हैं, ताज़ा बिकवाली वाले ट्रेड। राल सर दो शेयर हमने निकाले, एक तो MCX है और दूसरा है जिंदल स्टील एंड पावर JSPL, आज 2.5% नीचे है और MCX करीब 3% नीचे है, कोई शॉर्ट के मौके हैं तो जरा बता दीजिए सर। भैया देखिए MCX में डेफिनेटली वीकनेस काफी सेशन से बिल्ड होते हुए दिख रही थी हमें, स्टॉक कहीं ना कहीं अटक रहा था 4050 के आसपास, और आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक के अंदर बिलो 3750। मेरा मानना है 3750 के नीचे 3500 यानी 3500 तक के लेवल्स ओपन अप होते हैं बेरिश साइड में। आज वॉल्यूम्स भी काफी जबरदस्त है, कैश में खास करके सेलिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर MCX को शॉर्ट करके चलने की राय रहेगी। फ्यूचर्स के हिसाब से आप 3820 का स्टॉप लॉस लगाए और तकरीबन 200 पॉइंट तक की डाउनसाइड यानी 3500 तक के टारगेट्स आपको MCX में आने वाले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में से आई थिंक प्रिफर्ड पिक रहेगा MCX शॉर्ट साइड में। MCX पे एक शॉर्ट कर सकते हैं सर। दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, एक बार जरा वो भी चेक कर लो सर। एक चंबल फर्टिलाइजर काफ़ी बढ़िया चला है लेकिन अब थोड़ा अनवाइंड हो रहा है, और दूसरा इंडस टावर ये भी काफ़ी बढ़िया चला, थोड़ा अनवाइंड ये भी हो रहा है।
देखिए आज निफ्टी के अंदर हमने पुल बैक देखा है, तो थोड़ा यहाँ पर अनवाइंडिंग होना बहुत नेचुरल है, लेकिन इनकी जो प्राइमरी ट्रेंड है वो मेरे हिसाब से अभी भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में अगर हमें लाइक ज्यादा वीक या ज्यादा एक तरह से अनवाइंडिंग और भी देखने को मिल सकती है, वो चंबल फर्टिलाइजर में हो सकती है। चंबल में पिछले 10 से 15 दिन का जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेच होता हुआ दिखा है। 20 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने एक तरह से टेस्ट किया और मेरे हिसाब से 490 के नीचे इसमें और एक राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकता है, जहां पर स्टॉक तकरीबन 470 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वेट एंड वॉच पे रखिए, अगर 490 के नीचे ब्रीच होता हुआ दिखे तो फ्रेश वीकनेस यहाँ पर डेवलप होती हुई दिख सकती है। अदरवाइज जैसे हमने कहा, अगर निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं आया तो ये वैसा ही मूव हो सकता है कि इंट्राडे वाला डिप आया, बाय हो गया और निफ्टी वापस अपने जो पुराना जो निफ्टी का जो एक तरह से नेचर है वो बाय ऑन डिप्स वाला वो कंटिन्यू होता हुआ दिखे। और जब तक आई थिंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी कैंडल नहीं बनती, आप अगर सिंपली देखेंगे तो जब से रैली शुरू हुई है 10 जून से हमने एक भी बड़ी रेड कैंडल निफ्टी के अंदर नहीं देखी है, एक भी बड़ा सेल फिगर एफआईएस की तरफ से भी नहीं आया। तो मेरे हिसाब से जब तक वो डिसाइसिव मूव नहीं देखने को मिलता है, प्रीएम्प्टिव शॉर्ट यहाँ पर ना करें। इवेंट है, डेफिनेटली इवेंट के पहले लाइट होने की एडवाइस रहेगी और एक बार इवेंट चला जाता है उसके बाद आई थिंक फ्रेश मार्केट के अंदर डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी स्टॉक्स आप रिकमेंड कर रहे हैं सर, जहाँ पे भी ट्रेड बनता आप उसके स्टॉप लॉस टारगेट दे रहे हैं वो सब हम छाप रहे हैं, और जहाँ पे ट्रेड नहीं बनता वो सिर्फ हम उसको अवॉइड की कैटेगरी लगा के या फिर उसको छोड़ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिल रहे हैं सिर्फ वही ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं, और वही के वही कल हम रिपोर्ट कार्ड में भी भर्ती करेंगे। अदरवाइज नहीं तो सब पे चर्चा तो हो जाती है, लेकिन जहाँ ट्रेड बनेगा उसको हम अलग से नोटिस करवाएंगे। राहुल सर, आपके ट्रेड कौन से, आपने कौन से शेयर देखे हैं सर? देखिए टाटा मोटर्स का सेटअप हमें यहाँ पे काफी अच्छा लगता है, ऑटो में काफी मजबूती बनी हुई है और इस वीक में जो इनिशियल ट्रेडिंग हुई उसमें टाटा मोटर्स में प्रॉमिसिंग सेटअप दिखाई देता है, तो इसे बाय करके चलने की राय रहेगी। हमें लगता है 1060 से देखिए 1080 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 973 का स्टॉप लॉस रहेगा और आज के सेशन में अगर आप देखें तो नीचे में 20 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट करके रिकवरी अच्छी देखने को मिली है शुरुआती वीकनेस के बाद में। दूसरा जो रिकमेंडेशन है हमारा रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में। हमें लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन पैटर्न देखने को मिल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 1249 पर है और तकरीबन 1350 तक के लेवल्स हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आप कह रहे हैं और दूसरा टाटा मोटर्स कह रहे हैं। टाटा मोटर्स आपने एक बार पहले भी दिया था सर, मेरे को अच्छे से याद है, आपका हिट हुआ। मारुति के आप मास्टर हैं, मारुति भी आप अच्छा पकड़ते हैं, ऑटो पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो इसलिए मैं टाटा मोटर्स पे तो बिल्कुल सर की कॉल के साथ जाना चाहूँगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे को लग रहा है कि ये UBL, USL और इनमें थोड़ी और छोटी कैटेगरी जैसे सोम डिस्टिलरीज, जैसे कि रेडिको खेतान, ये सब शेयर्स भी अपनी अपनी तस्वीरें धीरे धीरे करके बदल रही हैं। आप सबके चार्ट्स देखो, आपको अलग ही फ्लेवर और क्लेवर इनमें अंदर दिखेगा। थोड़े सिन गुड्स हैं, ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं, बजट के अंदर कभी भी अच्छा बोला नहीं जाएगा, नेगेटिव ही बोला जाएगा, बट फिर भी इन शेयर्स ने अपनी बैलेंस शीट और अपने प्रोडक्ट के बेसिस पर काफ़ी अच्छी जगह बनाई है इंडियन मार्केट्स के अंदर, और सारी की सारी कंपनी अब ग्रोथ के लिए बढ़ रही हैं आगे। ठीक है सर। अच्छा सर, दो शेयरों पर सबकी नज़र है कि वापस से चमत्कार करेंगे या फिर इनका चमत्कार खत्म हो गया। सर एक है HDFC बैंक और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दोनों के बारे में जरा गाइड कर दीजिए लेवल के हिसाब से, ये अब चमत्कार बाकी है या खत्म सर? देखिए HDFC बैंक में लाइक क्लियरली हमने 2 वीक पहले इंडिकेट किया था कि काफी ओवरबॉट हो चुका है, प्राइवेट बैंक में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आपका आई थिंक टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म का, यानी कि अगर 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, तो एज एन इन्वेस्टर इसमें बने रह सकते हैं। एज अ ट्रेडर मेरे हिसाब से अभी तक बाउंस बैक के इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिले। हो सकता है कि तकरीबन 1580 के आसपास से बाउंस बैक या रिस्क रिवॉर्ड जो है लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल होगा, तो हम फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं इस लेवल के आने का। ये लेवल अगर आता है तो बाइंग के मौके तलाशे जाएंगे, फिलहाल इसे वेट एंड वॉच लिस्ट पर रखा हुआ है। और जहां तक रिलायंस का सवाल है, लास्ट वीक हमने देखा ऑयल एंड गैस में काफी अच्छा मूव था, उसके बाद एक थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड रिलायंस की अभी भी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से 3200-3250 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं।
तकरीबन 3100 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड जो है रिलायंस का फेवरेबल रहता है, तो यहाँ पर अक्यूमुलेट कीजिए। अगर ₹50 नीचे आता है तो ऐड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3080 का लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और हमें लगता है 3250 तक के लेवल्स आपको रिलायंस में हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, यानी कि बजट के पहले तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए और ये दो बड़े शेयर्स पे भी बताने के लिए कि एक्चुअली मेरी इस समय क्या पोजीशन है। आज अगर मार्केट 150 से 200 पॉइंट नीचे बंद होता है ना, तो पहली ऐसी रेड कैंडल बनेगी जो काफ़ी दिनों बाद दिखेगी, जिसके बारे में सर भी आपको जिक्र कर रहे थे कि कोई भी डिसाइसिव फॉल नहीं दिखा। फिर शाम को हम FIs का नंबर चेक करेंगे, अगर वहाँ पर भी थोड़ा बहुत दिखा तो हम समझेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत मार्केट कूल डाउन होना चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्प्रिंग की तरह है, जितना दबेगा उतनी स्पीड से फिर से ऊपर आएगा। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जी हाँ, इसमें पर्सनली मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन JM फाइनेंशियल के क्लाइंट्स इन्वेस्टेड हो सकते हैं जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हुए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए सर, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।